आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्राइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और 0.585 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, और हमारा इस रिएक्शन से क्या बन रहा है 1.435 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 0.85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट। और हमें ये जस्टिफाई करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो मास बिफोर होगा वही मास आफ्टर होना चाहिए। सही है, मास बिफोर इक्वल टू मास आफ्टर, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इसमें हम लोग मास बिफोर क्या हो जाएगा, मास बिफोर MB लिख देता हूँ। मास बिफोर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं मास ऑफ AgNO3 कितना था 1.7 प्लस मास ऑफ NaCl, NaCl कितना है 0.585 ग्राम प्लस वाटर, वाटर कितना था 200 ml, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 202.285 ग्राम। ये हमारा आ गया मास बिफोर। अब मास आफ्टर करते हैं, मास आफ्टर के लिए ग्रीन पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ। मास आफ्टर MA, मास आफ्टर AgCl बना था हमारा, AgCl कितना था 1.435 प्लस मास NaNO3 का, NaNO3 जो हमारा बना केमिकल रिएक्शन से वो बना 0.85, ठीक है, प्लस वाटर, वाटर तो वैसे ही रहा हमारा 200 ml, ये टोटल करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 202.285 ग्राम। तो हमारा दोनों मास बिफोर और मास आफ्टर दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।